जन सरोकार मंच पर आज इस समय के बहुत चर्चित और युवा कवि श्री भानु प्रकाश रघुवंशी, जो एक छोटे से गांव पाटे में रहते हैं, मैं उनका परिचय आपको दे रहा हूं। भानु प्रकाश रघुवंशी की बहुत लघु पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, आकाशवाणी से आपकी कविताओं का प्रसारण हो चुका है। आपका पहला कविता संग्रह जीवन राग प्रकाशित हुआ था साहित्य धारा अकादमी से, और दूसरा काव्य संग्रह न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है चयनित कविताएं भानु प्रकाश रघुवंशी। इस समय आप हिंदुस्तान के युवा चेहरों में सबसे चर्चित चेहरे हैं। तो ये था भानु प्रकाश जी रघुवंशी का परिचय, और आप मिलिए भानु प्रकाश रघुवंशी से, मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ उनको। आइए भानु प्रकाश जी अपनी कविताओं का पाठ करिए। साथियों नमस्कार, मैं भानु प्रकाश रघुवंशी जन सरोकार मंच के टॉक के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी कुछ कविताएं लेकर हाजिर हूं। जैसा कि मेरा एक नया कविता संग्रह तैयार हो रहा है, उसी में से मैं अपनी कुछ कविताएं आप लोगों को सुना रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है बाबूजी समय बदल गया है। बाबूजी समय बदल गया है। जब भी गंभीर मसलों पर बात कर शुरू करता हूं, कोई नौजवान हंसकर कहता है बाबूजी समय बदल गया है। जब भी गंभीर मसलों पर बात शुरू करता हूं, कोई नौजवान हंसकर कहता है बाबूजी समय बदल गया है। सोचता हूं क्या वाकई समय बदल गया है, या बदल गया है आदमी, या खान पान, या वातावरण, या पेड़ पौधे, या समूची प्रकृति ही बदल गई है। मिट्टी से अब नहीं उठती वह पहले सी सौंधी गंध, जो पहली बारिश के साथ उठती थी धरा से और सारी प्रकृति को कर देती थी उन्मत्त। जो करते थे ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, ऊष्मा से भर देते थे देह को, नहीं बचे अनाज में वे पोषक तत्व। मृत शरीर के अपघटन में शामिल वे जीव जो मांस मज्जा को बोझ से हल्का करते थे पिंजर को, और मल भक्षण करने वाले कीड़े कवक और बैक्टीरिया आखिर मर क्यों जा रहे हैं, मृत देह या मल भक्षण के बाद? क्या सचमुच भोजन हो गया है विषाक्त? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कब कौन सा फल खाने से बीमार हुए थे और कौन सी हरी सब्जियां खाने से उल्टियां होती रही थी रात भर। डॉक्टरी सलाह के बाद काली मूंग की दाल और दलिया खाने से चकत्ते बनने लगे थे जगह जगह, जिनके होने के निशान अब भी बचे हैं कोमल अंगों पर। इलाज के बाद भी ना बच सके, बीमार पशुओं को खाकर ही तो मर गए कितने ही कुत्ते और कौवे। खत्म हो गई गिद्धों की समूची प्रजाति, क्या उन जरूरी गुणों से रहित हो रही है पृथ्वी, जिनके बगैर चांद या मंगल ग्रह पर रहने का आवास होगा हमें इसी धरती पर रहते हुए। यह कैसा जहर है जो रगों में दौड़ता है खून के साथ और आदमी मर जाता है सने सने। कौन दे रहा है इतनी आसान मौत कि सीने का दर्द अस्पताल की चौखट भी पार न करने दे, और पार कर भी गए तब भी परिजनों के हाथ में होता है हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र। क्या अपने ही हाथों जहर खाने को अभिशप्त हैं हम? जब मुझे टोकते हुए कोई नौजवान हंसकर कहता है बाबूजी समय बदल गया है, तब सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि समय ही बदला है या बदल गई है समूची प्रकृति ही। अगली कविता का शीर्षक है जहां मैं रहता हूं।
जहां मैं रहता हूं वहां नहीं है गगनचुंबी इमारतें, नहीं है सलीके से बसी कॉलोनियां, उन कॉलोनियों में एक ही डिजाइन के घर, चमचमाती सड़कें, प्रतिमाओं से सुसज्जित चौक चौराहे, पर शांति बहुत है। अगर कोई शाम तक न जुटा पाए 2 जून की रोटी के लिए दाना, ठंडी पड़ गई हो चूल्हे में दबी आग और माचिस में ना बची हो एक भी तीली, या आटा गूंदते समय ही पता चले कि डिब्बे में नहीं बचा है एक चोटी नमक, तब पड़ोस के घर से मिल जाता है यह सब कुछ उधार, वापस ना करने की गारंटी पर। लोग गरीब हैं पर दिल बहुत बड़ा है यहाँ रहने वाले लोगों का। बेशक यहाँ नहीं है उत्सवों की धूम, पर औरतें गोबर उठाते, चक्की पीसते, फसल काटते, गाती हैं ढोला मारू, हीर रांझा, सोनी महबाल की प्रेम गाथाएं, और पुरुष शाम ढले ढोलक की तान पर खूब नाचते हैं। यहाँ तंग हाल हैं लोग, इतने तंग हाल कि चबूतरे पर गुदड़ी ही बिछा देते हैं पाहुनों के आने पर। 2 जून की रोटी के लिए खटते हैं सारी उम्र, पर रिश्तों से बड़े अमीर हैं, इतने अमीर कि 3-3 पीढ़ियां रहती हैं एक साथ, एक ही घर में थामे एक दूजे का हाथ। अगली कविता का शीर्षक है बाहबाही। उसने हलक में हाथ डालकर निवाला खींच लिया और लोगों से कहा, गले में हड्डी फंसी थी उसी को निकाला है। उसने हलक में हाथ डालकर निवाला खींच लिया और लोगों से कहा, गले में हड्डी फंसी थी उसी को खींचा तो उसी को निकाला है। बंद मुट्ठी खोलकर हड्डी दिखाने की फरमाइश कोई न कर पाया उससे। जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट में दब गई मेरी रुलाई, राजा की खूब हुई वाहवाही। आज मैं मातृ दिवस है, मैं चाहूंगा कि एक कविता माँ के लिए भी पढूं। पिछले वर्ष इसी मई के महीने में वो हमसे विदा ले गई थी और चाहता हूं कि एक कविता उनके लिए समर्पित है, पढ़ता हूं। कविता का शीर्षक है अनंत की यात्रा। मैंने कहा ठहरो बसंत, मैंने कहा ठहरो बसंत, फलियां बनने तक सरसों के फूलों पर ठहरो, पत्तियों पर ठहरो कोंपल बने रहने तक, टेसू के फूलों पर ठहर जाओ चटक रंग उतर जाने तक, दूध के दाने बन जाने तक ठहरो गेहूं की बालियों पर, धूप के तीखे हो जाने तक ओस के बिस्तर पर दुबके रहो नन्हे शिशु की तरह। मैंने बार बार कहा ठहरो वसंत, माँ की आंखों की पुतलियों पर पतली सी झिल्ली चढ़ गई है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाने तक ठहरो, बस आंखों से काला चश्मा उतर जाने तक ठहर जाओ। पर अनंत की यात्रा पर जाते हुए माँ धुंधला ही देख सकी अपनी उम्र का 84 व बसंत, ना माँ रुकी ना ठहरा बसंत। एक और कविता, शीर्षक है मातृभाषा। जन्म लेने के बाद जब पहली बार आंखें खुली तो माँ को ही देखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। जन्म लेने के बाद जब पहली बार आंखें खुली तो माँ को ही देखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। तब मेरी कोई भाषा नहीं थी, रोने और हंसने की कोई भाषा नहीं होती, ना भाषा की जरूरत होती है रोने और हंसने के लिए। मुझे भाषा का ज्ञान माँ ने दिया,
सबसे पहले माथा चूमा वह स्पर्श की भाषा थी। फिर अपने होठों पर उंगली रखकर दाएं बाएं सिर हिलाते हुए चुप हो जाने का इशारा किया। मैं ना समझा इस सांकेतिक भाषा में मां की बात। फिर एक वर्ण ना कहा उसने, फिर कहा नारे 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 नाना। मां ने इसी भाषा से गुदगुदाया था पहली बार मुझे। यह मेरी मां की भाषा है, यही मेरी मातृभाषा है। मेरा अगला संग्रह जो आने वाला है उसका शीर्षक है मैंने जो कहा। एक कविता भी है उसी को पढ़ता हूं, मैंने जो कहा, प्रतिनिधि कविता। मैंने जो कहा उसे नहीं सुना गया, मैंने जो कहा उसे नहीं सुना गया, या किया गया अनसुना, या मेरी भाषा संप्रेषण खो चुकी, या शब्द हो गए गूंगे। मैंने जो कहा उसे नहीं सुना गया, या किया गया अनसुना, या मेरी भाषा संप्रेषण खो चुकी, या शब्द हो गए गूंगे। आप जो भी चाहें मान लें, पर मैं उसे बहरा नहीं कह सकता। हमारे देश में खाने को खाना कहने का चलन नहीं है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत आभार।